हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। प्रदेश में बदमाशों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं, जिसके चलते लगातार लूटपाट की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसा ही मामला बल्लभगढ़ से भी सामने आया, जहां बाइक सवार तीन बदमाशों ने एक दुकानदार को गोली मारकर 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर घायल पीड़ित को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस दावा कर रही है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रामकिशन, क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर कल गोली चली और 5 जने 2 मोटरसाइकिल पे, पिछले ने 2 गोली, एक तो गोली निकल गई, एक गोली लगी है पेट के अंदर, घायल है घनो। यहाँ पे कल रात को गोली चल गई 9:15 के आसपास, और परसों तरसों भी यहाँ पे चोरी हुई है सेम दुकान के अंदर ही। 3 दिन के अंदर 2 बार वारदात हो चुकी है यहाँ पे, और पिछले साल भी यहाँ पे इस शिव शक्ति ट्रेडर्स पे चोरी हुई थी। उससे पहले यहाँ पे नमक चोरी हो रहे थे। लगातार वारदात पे वारदात बढ़ती जा रही है। छीना जब्ती की वारदात हुई थी व्यापारी से। हाँ, तो इसमें 3 लड़के आए थे और गोली मार के 60-70 हज़ार रुपये, एग्जैक्ट फिगर अभी पता नहीं, वो लेके गए। इसमें हमने केस रजिस्टर्ड कर दिया और आरोपी की पहचान करनी हो चुकी है।